नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन इट्स यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। योगी सरकार का नया फैसला, यूपी के सभी प्राइमरी स्कूल इस नए रंग के पेंट से रंगे जाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूल अब एक नए रंग के पेंट से किए जाएंगे। यूपी सरकार ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत अब सरकारी प्राइमरी स्कूल व जूनियर स्कूल के भवन की बाहरी दीवारों को अनिवार्य रूप से सफेद रंग में रंगा जाएगा। इसके साथ ही स्कूल की बाहरी दीवार पर निपुण भारत का लोगो पेंट किया जाएगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर बीते वर्ष स्कूल पेंट किया गया है तो इस वर्ष पेंट की जरूरत नहीं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सूबे के सभी जिलों को ये आदेश जारी कर दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार कक्षा एक के लिए विशेष पेंटिंग के आदेश है जिसमें बाल वाटिका का लोगो भी होगा। विद्यालय भवन के अतिरिक्त चार दीवारी ग्रेल ग्रेंट खिड़कियां व दरवाजे भी पेंट किए जाएंगे, पर इसका बजट कंपोजिट ग्रांट के मद से जाएगा। इस वर्ष की ग्रांट जारी कर दी गई है। कंपोजिट ग्रांट के तहत 12,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की कंपोजिट ग्रांट सरकार की तरफ से दी जाती है। तेज रफ्तार से बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, बाढ़ के साए में कई गांव, प्रशासन अलर्ट। संगम नगरी में गंगा यमुना का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा नदी के साथ अब यमुना नदी भी उफान पर है। दूसरे प्रदेशों में हो रही लगातार बारिश की वजह से दोनों नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में दोनों नदियों में प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की वजह से गंगा, टोंस और बेलन नदियों का जल स्तर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब गंगा यमुना का भी जल स्तर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। दोनों नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज की दोनों नदियों गंगा और यमुना 24 घंटे में 1 मीटर की रफ्तार से बढ़ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद स्थानीय बारिश का भी प्रयागराज में असर है। अधिक बारिश होने के कारण हरिद्वार, नरोरा के साथ ही कानपुर बांधों से पानी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। 3 चरणों में हरिद्वार, नरोरा और कानपुर से पानी गंगा में छोड़ा जाएगा। वरुण गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, 8 साल में सिर्फ 7 लाख को रोजगार, 1 करोड़ पद खाली। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी आज फिर अपनी पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा से लगातार सवाल पूछने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। सांसद वरुण गांधी ने आज बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार से सवाल किया है। भाजपा सरकार से कहा कि बीते 8 साल में सिर्फ 7 लाख को रोजगार मिल सका है, जबकि देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। अपने सांसद वरुण गांधी के लगातार हमले से भाजपा सरकार और संगठन दोनों परेशान हैं। वे असमंजस की स्थिति में हैं कि करे तो क्या करे। युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया और कहा कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए ये आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिसमें से मात्र 7 लाख को रोजगार मिल सका। अब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली है, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस किया जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवेंद्रू विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है, किंतु उन्हें आदेश का पालन करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याचिका को अधिक क्वालिटी पॉइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई, उसे कासगंज भेज दिया गया, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर 3 हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है, जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, अब कावड़ यात्रा के लिए पूर्वी यूपी में करें विशेष प्रबंध। कावड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा की लगातार निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को इस धार्मिक आयोजन के अगले पड़ाव को लेकर आगाह कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित निकाले जाने के लिए बेहतर प्रबंध करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक के लिए आवागमन कर रहे हैं। ये सुखद है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा अंतिम चरण में है, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। इसे देखते हुए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए जाएं।
योगी सरकार 10 भाषाओं में करेगी ओडीओपी का प्रचार। को ऐप पर इस हैंडल से होगा उत्पादों का प्रमोशन। यूपी सरकार की बड़ी योजना 1 जुलाई एक उत्पाद की दूसरे देशों के दूतावासों में भी ब्रांडिंग की जाएगी। दूतावासों में ओडीओपी की मदद भी प्रदर्शित किए जाएंगे और डिस्प्ले में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी जाएगी ताकि लोग वहां से भी आयात कर सके। इससे ओडीओपी के उत्पादों का विदेशों में भी निर्यात बढ़ेगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1 जुलाई एक उत्पाद से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी मिलेगी। आपको बता दें इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभागों ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को के साथ अब MOU किया है। इससे अब प्रदेश के उत्पादों को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सागल और को के सह संस्थापक एवं मुख्य अधिकारी अप्रिय राधाकृष्ण ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत को अपने यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ओडीओपी से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार प्रसार का मंच। मंकी पॉक्स रोगियों के 2150 बेड किए जाएंगे रिजर्व। सीएम योगी ने दिए निर्देश, बचाव के जरूरी उपाय करें। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ रहे रोगियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बचाव के सभी जरूरी उपाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए। ऐसे में कुल 215 अस्पतालों में 2150 बेड मंकी पॉक्स मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने आम जनता को मंकी पॉक्स के लक्षण, बचाव व उपचार के लिए जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को सतर्कता डोज लगाने के लिए 75 दिवसीय विशेष अमृत डोज अभियान को मिशन मोड पर चलाने के भी निर्देश दिए। अभी तक कुल 55 लाख वयस्कों ने सतर्कता डोज लगवाई है। सरकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी बूस्टर डोज लगवाएं, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। गोरखपुर में होगी अग्निवीरों की भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर सेना भर्ती केंद्र बनाने पर लगी मोहर। खिचड़ीबाग जिले में अग्निवीर की भर्ती होगी। बुधवार को पूरे दिन सेना प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को इसको लेकर बैठक की। गोरखपुर में होगी अग्निवीरों की भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर सेना भर्ती केंद्र बनाने पर लगी मोहर। खिचड़ीबाग जिले में अग्निवीरों की भर्ती होगी। बुधवार को पूरे दिन सेना प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने इसको लेकर बैठक की। व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद गोरखपुर को भर्ती केंद्र बनाने पर मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सेना भर्ती केंद्र बनाने की पहल की थी। सेना के अधिकारियों ने इस पर अमल करते हुए व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए एडीजी रिक्रूटमेंट NS राजपुरोहित को गोरखपुर भेजा था। बुधवार की सुबह गोरखपुर पहुंचे एडीजी रिक्रूटमेंट ने पहले जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ बैठक कर व्यवस्था की जानकारी ली। मानक पूरा होने पर गोरखपुर को सेना का भर्ती केंद्र बनाने पर अधिकारियों ने अपनी सहमति जता दी। एडीजी ने अधिकारियों को बताया कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है। खिचड़ी के बाद होने वाली भर्ती में गोरखपुर केंद्र रहेगा। क्या है फुल प्रूफ लाइटनिंग वार्निंग सिस्टम, जिसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लागू करने के दिए हैं आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों और नुकसान को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में फुल प्रूफ और एंड टू एंड अर्ली अलर्ट सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इसे लागू करने में सरकारी एजेंसियों की मदद लेने को भी कहा है। योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ निरंतर संचार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आकस्मिक मौतों में वाज्यप्रत एक अहम कारण है। इसे कम करने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत मौसम केंद्र वज्रपात तात्कालिक चेतावनी जारी कर पाएगा। योगी सरकार बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म के साथ पेन पेंसिल कॉपी के लिए देगी 1200 रुपए। अब यूनिफॉर्म के साथ योगी सरकार बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी पेंसिल के लिए भी पैसा देगी। इसके लिए किसी शैक्षणिक संघ में प्रति छात्र 100 रुपए DBT के जरिए दिए जाएंगे। 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए जाने के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब तक प्रदेश सरकार हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, ज्योति मोचे के लिए 125 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए देती है। ये राशि अभिभावकों के खातों में DBT के माध्यम से दिए जाते हैं। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाने के बाद से प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले 100 रुपए से विद्यार्थी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल और 2 रबड़ और 2 शार्पनर खरीद सकेंगे। आपको बता दें, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 2022-23 में सरकार ने 166 करोड़ की व्यवस्था बच्चों के स्टेशनरी के लिए की है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।